सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल इन रहा मैं अभी तो। अच्छा इन अ वेक्टर स्पेस वी अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स वी वन टू वी एन इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। ठीक है? नहीं तो अगर अगर वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन मिले, एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इफ वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। ठीक है, एक वेक्टर भी अगर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाता है उन सेट ऑफ वेक्टर्स में से, इन सेट ऑफ वेक्टर्स में से, ठीक है, तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको यूं दे सकता हूं कि अगर आपके पास v1 v2 सो ऑन vn, ठीक है, एक इसमें से कोई से वेक्टर चूज कर, फॉर एग्जांपल v2 में चूज कर लेता हूं, a1 v1 a3 v3 प्लस सो ऑन an vn, तो a2 क्या बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है या नहीं? जैसे मैंने लास्ट थ्योरम अभी लास्ट एग्जांपल करवाई था आपको कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि एक वेक्टर बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बन। ठीक है, एक वेक्टर बाकियों का मल्टीपल बन गया, नहीं बन गया, v1 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर v3 v4 बी सो ऑन। ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और इसी को अगर इसकी मजीद स्ट्रॉन्ग फॉर्म देखी जाए, इस थ्योरम की स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ लास्ट थ्योरम, ये क्या है? द नॉन जीरो वेक्टर्स v1, v2, vn आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम सेज vk is a linear combination of linear combination of preceding vectors. ठीक है नहीं? तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म बेसिकली क्या कहती है? इसी की ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें हमने v2 को हमने स्पेसिफिक किया था, इसमें हमने जनरलाइज क्या कह दिया, vk, ये भी इसी सेट ऑफ वेक्टर्स के बीच में एक वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो vk को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने v2 को नाम दिया था, ठीक है, v2 बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में था, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने किया था। ठीक है, उसमें हमें स्पेसिफिक वेक्टर का नहीं था पता, यहाँ पे हमने मोर स्पेसिफिक हो गया कि सेट ऑफ वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vn तक, और उसमें एक वेक्टर vk है, और vk को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखिए। अगर vk बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अपियर हो रहा है तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये दो थ्योरम कुछ ऐसे थे। अच्छा, फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट वाले थ्योरम। ठीक है,
इसमें एक और थ्योरम आ रहा है, तो नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन एचलन फॉर्म आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी की हुई है, अगर आप लोगों को याद हो, कि अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और वो एचलन फॉर्म बना रहे हैं, तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे हमने एक एग्जांपल की थी पेज नंबर 121 के ऊपर लेक्चर नोट्स में, कि शो दैट द वेक्टर्स 100 010 and 001 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए क्या किया जाता है, a v1 b v2 c v3 इज इक्वल टू नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, 000 होगा। ठीक है, तो ये क्या बनता है आपके पास, a टाइम ऑफ 100 बी टाइम ऑफ 010 और सी टाइम ऑफ 001 इज इक्वल टू 000। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाती हैं। कौन कौन सी बनती हैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, ए बी सी, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 00। अगर इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा जाए तो क्या बनता है आपके पास, 1001। अगर आपको याद हो तो आपके पास डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यूज यहाँ से निकल सकती हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी 0 आ रही है, बी की वैल्यू भी 0 आ रही है, सी की वैल्यू भी 0 आ रही है। ठीक है, और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमने थ्योरम के स्टार्ट में कहा था, कि ये जो फॉर्म बन रही है, क्या ये एचलन फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही, एचलन फॉर्म, दिस इज एन एचलन फॉर्म। ठीक है, नहीं, ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0। ठीक है ना। अच्छा, अब जो थ्योरम के स्टार्ट में हमने कहा था, नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन एचलन फॉर्म, जब भी वो एचलन फॉर्म बनाएगी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मैंने लास्ट टाइम, मतलब अभी जो स्टार्ट में बताया था, कि अगर तमाम कोएफिशिएंट्स इस ए बी सी ये सारे 0 हो जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या ये सारे ए बी सी 0 आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ठीक है, और इसके पिछले स्टेप में भी हम कह सकते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बल्कि वेक्टर्स को देखते साथ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनकी लोअर जो ट्रायंगुलर बन रही है वो क्या बन रही है, 0, और ये एचलन फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास एचलन फॉर्म बन रही हो, अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स के बने वो एचलन फॉर्म बना रहे हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, नहीं, तो ये जिस चीज को आप याद किया, ये तीन स्टेप। ठीक है, इसी को हम मजीद आगे लेके चलते हैं। अच्छा, एक और थ्योरम है आपके पास,
इस थ्योरम में वो क्या स्टेट कर रहा है कि द सेट ऑफ एम वेक्टर्स इन आर एन एन डायमेंशनल, ठीक है, इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एम इज ग्रेटर देन एन। एम क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एन से। अब यहां पे एम क्या है, नंबर ऑफ जो अननाउन है उसको हम क्या कहते हैं, एम, और नंबर ऑफ जो रोज है उसको हम क्या कहते हैं, एम, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए, अगर आपके पास अननाउन ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ रोज कम हो जाए, जैसे आप ये कहते थे 2x plus 3y plus 7z is equal to 5, x plus 2y plus 3z is equal to 1, तो इसमें अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ अननाउन कितने हैं, वो 3, और नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है आपके पास, 2। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो सा है वो वाई के ऊपर डिपेंड करेगा या जेड के ऊपर, सिमिलरली जो सा वाई है वो भी एक्स या जेड के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ आई है? एक और भी हम एग्जांपल कर लेते हैं, ये पिछले थ्योरम से रिलेट कर रही है। द सेट एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, -1, 0, 1, 2, 0, 5, 3, 4, 7, ठीक है, इज लीनियरली डिपेंडेंट इन आर क्यूब, ठीक है, बेस्ड अपॉन लास्ट थ्योरम, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड number of unknown is equal to 4, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा, देखें हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है, a1 v1 a2 v2 a3 v3 a4 v4, ठीक है, is equal to null vector। तो a1 time v1 क्या आपके पास 1, 2, 3 vector था, a2 v2 वेक्टर क्या आपके पास -1, 0, 1 वेक्टर है, a3 टाइम v3 क्या वेक्टर आपके पास 2, 0, 5, a4 v4 क्या वेक्टर आपके पास 3, 4, 7, और नल वेक्टर क्या आपके पास 0, 0, 0, सेम डायमेंशन का होगा। अब अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो 1, 2, 3, -1, 0, 1, 2, 0, 5, 3, 4, 7, और साथ में मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, a1 a2 a3 a4, और ये क्या बन जाएगा, बस 0, 0।
तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो अननाउन है वो फोर है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ रोज कितनी है वो थ्री। इस वजह से क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। सर एक बात पूछनी है जी सर, ये ऊपर वाली एग्जांपल में नंबर ऑफ रोज भी फोर होगी? कौन सी वाली एग्जांपल में सर, ये जो ऊपर है सेट, सेट एस सर, ये वाला, तो ये उसी से ही बनाया? यस, ये उसी से ही बनाया, तो इसमें देखो कितनी रोज है, सही है सर, ठीक है ना। तो जब आपके पास नंबर, ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ था जब आप वो पढ़ते थे ना शुरू शुरू में इक्वेशंस, ठीक है, तो वो तभी मैंने डिटेल में पढ़ाई थी क्योंकि वो यूज होंगे आगे सारे सारे। तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास अननाउन ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ रोज कम हो जाए तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आते हैं, याद है या नहीं? तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में क्या होता था, एक 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 सोल्यूशन दूसरे, मतलब एक्स जो है वो वाई के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता था, या एक्स जो था वो जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता था। यहाँ पे क्या होगा, ए वन ए टू के ऊपर डिपेंड कर रहा है या ए वन ए थ्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जब जब ये कोफिशंट्स हैं जो उनसे हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ये वाले कोफिशंट्स, तो इसका मतलब है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। अच्छा फिर लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने का एक और वे भी है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर is zero, then set of vectors are linearly depend, ठीक है। अगर determinant zero आ जाए किसी matrix का तो उस case में आपके पास क्या होगा, उस केस में आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हो। देखिए कैसे, एक एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि determine whether the set of vectors क्या है, 1 2 3 -1 -1 6 3 6 10 is linearly dependent or linearly independent। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स है, अगर वो एचलन फॉर्म बना लेती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। दूसरा ये वे है कि आप इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो। इसका डिटरमिनेंट आप कैसे चेक करोगे, v1 v2 v3 वेक्टर्स की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी आपके पास, 1 2 3 -1 -1 6 3 6 10। तो इसका जब आपने डिटरमिनेंट लिया तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट।
अगर आपको याद हो तो हम कहते थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर वो होती थी जब आपके पास डिटरमिनेंट जीरो आता था, तो अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता, ठीक है ना। सिंगुलर कब थी आपके पास, अगर डिटरमिनेंट उसका क्या आता था, जीरो आता था। जीरो कब आता है, जब एक मैट्रिक्स एक एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के ऊपर लाई कर रही है, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो ये सारा वही कंसेप्ट आगे चल रहा, ठीक है। और पेज नंबर 129 पे इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है, वो आपका होमवर्क, ठीक है नहीं, ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा तो हमने क्या कहा कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट जीरो आता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, determine the value of your values of k such that given vectors one minus one k माइनस वन टू के माइनस फोर एंड जीरो के प्लस टू माइनस एट इन आर क्यूब, ठीक है, आर लीनियरली डिपेंड। क्वेश्चन में उसने ये कह दिया है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो उनसे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो आपने के की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो फॉर लीनियरली डिपेंडेंट केस हम क्या कहते हैं कि मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट क्या होता है, वो जीरो का इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर ये जीरो के इक्वल है तो आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, के स्क्वायर सर। ऊपर आपने लिखा है इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है सर, सबसे ऊपर ये गलत लिखा था, ये नॉन जीरो है, ये जीरो है, ये उल्टा लिखा गया, ठीक है। के स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वो सिंगुलर के सिंगुलर मैट्रिक्स होती थी, ठीक, और नॉन सिंगुलर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज क्या बन जाएगी, के प्लस टू और के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू आ रही है, एक थ्री, तो हमने के की वैल्यू निकाल ली है लीनियरली डिपेंडेंट केस। इस वे में आपके पास प्रॉब्लम गिवन हो तो आप उसको इजी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, या नहीं। अच्छा फिर जो एक चीज आती है इसमें कि एक डेफिनेशन ही आती है, स्पेन आर
जनरेटेड बाय वी, ठीक है, वी यहाँ पे वेक्टर स्पेन क्या होता है? हाँ भाई स्पेन क्या होता है? देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, तो अगर वेक्टर स्पेस के अंदर जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 so on vn, u भी आ रहा है, v भी आ रहा है, w भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, अगर सारे वेक्टर्स को अगर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? स्पेनिंग सेट कहते हैं या जनरेटेड बाय v कहते हैं, ठीक है, मतलब v1 को भी आप बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 v3 एंड सो ऑन, v2 को भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 या v2 v3 एंड सो ऑन, ठीक है, v3 को भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड सो ऑन, v4 को भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 सो ऑन vn, तो अगर सारे वेक्टर्स को ईच एंड एवरी वेक्टर वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? स्पेनिंग सेट कहते हैं, ठीक है, तो अब जरा डेफिनेशन इसकी देख लें क्या है। अ गिवन सेट, सेट क्या आपके पास? v1 v2 vn ऑफ अ वेक्टर स्पेस v is said to be span or generated by v if every vector in v can be written as linear combination of v1, v2, vn, that is for every v belongs to capital V, there are constants a1, a2, so on, an belongs to a real number such that a1, v1, a2, v2, an, vn को v की फॉर्म, ठीक है, तो ये भी वही चीज है और ये भी, ठीक है, ये जो मैंने आपको स्टोरी अभी सुनाई कि v के अंदर जितने भी आपके पास वेक्टर आ रहे हैं v के अंदर, ठीक है, उनमें से एक वेक्टर को, बल्कि हर वेक्टर को, एक वेक्टर को नहीं हर वेक्टर को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। पहले हम ये कहते थे कोई एक वेक्टर भी मिल जाए, अब हम क्या कहते हैं? सारे वेक्टर्स जितने भी वेक्टर आ रहे हैं, पहला वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, दूसरा वेक्टर भी बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, तीसरा भी, चौथा भी, अगर लाख वेक्टर आ रहे हैं इसके अंदर तो लाखों बाकियों के इंडिविजुअली बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, इस स्पेनिंग सेट को आपने याद रखा। अच्छा
एक एग्जांपल है आपके पास इससे रिलेटेड, इसमें ये कह रहा है द सेट 100 one spans in RQ.